तो सीताराम भाई सारे ने तो गाइज मैं बड़े बड़े यूट्यूबर की तरह आपको सीधा अगले मैच का प्रेडिक्शन तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं पहले आपको प्रूफ दिखाऊंगा, सबूत दिखाऊंगा, जिससे आपका मेरे ऊपर विश्वास बढ़ेगा और आपको वीडियो देखने में भी मजा आएगा। तो कल जैसा कि आप सभी को पता है मुकाबला खेला गया था पंजाब वर्सेस राजस्थान के बीच, जिसमें हमारा एक भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ था गलत। मैंने जितने भी प्लेयर बताए थे आपको बिल्कुल ही स्टेक बताए थे। मैंने बोला था कि इस मुकाबले में सैम करण का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, लेकिन ये बात तो बहुत सारे यूट्यूबरों ने बोली होगी। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इस मुकाबले में अवेश खान, जिसकी परसेंटेज भी बहुत कम थी, उसका भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कहा था मैंने रहने वाला है इस मुकाबले में, वो कि कल के मुकाबले के ट्रंप प्लेयर थे, उसके बारे में मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि अवेश खान का भी बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है इस मुकाबले में। मैंने वीडियो में भी बोला था और टेलीग्राम चैनल पर भी बोला था, जो कि आप यहां पर देख भी सकते हो। मैंने आपको वन साइडेड विनिंग करने वाली टीम भी दी थी, एक बार आप टीम भी चेक कर सकते हो, और मैंने जिस जिस खिलाड़ी के बारे में बताया था एक बार आप उन खिलाड़ियों को भी चेक कर सकते हो। और जैसा कि कल सभी लोग कह रहे थे कि राजस्थान जीतेगी, लेकिन कल राजस्थान नहीं जीते। तुम्हारे भाई ने स्पेशल टेलीग्राम पर आकर लिखा था कि आज मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, ये मुकाबला कोई भी जीत सकता है। और मैंने वीडियो में तो कहा था कि 60% चांस है राजस्थान के जीतने के, लेकिन वो चांस इसलिए थे क्योंकि मैंने वीडियो में बिल्कुल ही ध्यान से आपको कहा था कि अगर जोश बटलर खेलते हैं तो उनका लाजवाब प्रदर्शन रहेगा, वो राजस्थान को जितवाएंगे, और जोश बटलर नहीं खेले तो मैं भी श्योर नहीं था इस मुकाबले में। तो मैंने आपको साफ साफ कह दिया था कि ये मुकाबला कोई भी जीत सकता है। तो मेरे दोस्त, आपको इतनी डिटेल में कोई भी सबूत नहीं दिखाता, बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी आपको ये सबूत नहीं दिखाता, वो दिखाएगा भी क्यों, क्योंकि उनके प्रेडिक्शन इतने सही नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। लेकिन तुम्हारे भाई के हर एक प्रेडिक्शन बिल्कुल ही क्लियर और बिल्कुल ही सटीक होते हैं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं आज वाले मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा सनराइज़र हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच। तो इस मुकाबले में सनराइज़र हैदराबाद ये मुकाबला जीतने की पूरी कोशिश करेगी, करेगी भी क्यों नहीं, क्योंकि पिछला मुकाबला सनराइज़र हैदराबाद वन तरफा जीत के आ रही है, LSG को वन साइडेड हरा के आ रही है, और सनराइज़र हैदराबाद के हौसले बुलंद हैं गाइस इस मुकाबले में। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस मुकाबले के ही बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सनराइज़र हैदराबाद के ही बारे में। तो आप सभी का एक ही सवाल होगा, क्या आज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा चलेंगे? तो गाइज ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो चलो बात करते हैं हम सनराइज़र हैदराबाद के दूसरे प्लेयरों के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है इस लिस्ट में जिनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है, वो खिलाड़ी हैं राशियों और ग्रहों के अनुसार नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ गाइज, ये इनके ऑलराउंडर हैं, और आज के दिन नीतीश कुमार रेड्डी का बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इनके बॉलिंग के बारे में। तो इनकी बॉलिंग में सबसे पहले नंबर पर नाम आ रहा है, वो खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार। जी हाँ गाइज, भुवनेश्वर कुमार के मैंने कुंडली चेक की, राशियों और ग्रहों के अनुसार आंकड़े देखे, तो इनका भी आज के दिन लाजवाब और शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। तो भुवनेश्वर कुमार के साथ साथ अगले नंबर पर नाम आता है इनके एक और बॉलर का। जी हाँ गाइज, इनके भी आज के दिन बहुत बढ़िया आंकड़े बने हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बॉलर का नाम है टी नटराजन, और आज के दिन इनका भी बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है राशियों और ग्रहों के अनुसार। तो चलो बात कर लेते हैं हम अब गुजरात टाइटंस के ही बारे में। तो गुजरात टाइटंस का ये सीजन का लास्ट मुकाबला है, और वो भी इस मुकाबले में पूरी कोशिश करने वाली है जीतने की, इसलिए वो भी अपना पूरा जोर लगा देगी इस मुकाबले में, अपना पूरा 100% देंगे हर एक खिलाड़ी गुजरात टाइटंस का। तो सबसे पहले नंबर पर नाम आता है गुजरात टाइटंस की तरफ से जिस खिलाड़ी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, वो है इनके ऑलराउंडर। जी हाँ गाइज, ए ओम जैरी। जी हाँ गाइज, ए उमर जाई का इस मुकाबले में शानदार और बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है राशियों और ग्रहों के अनुसार। तो अगले नंबर पर नाम आता है ए उमर जाई के बाद डेविड मिलर का। जी हाँ गाइज, डेविड मिलर के भी इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया आंकड़े बने हुए हैं, इसलिए आज के दिन आपको डेविड मिलर का भी बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। डेविड मिलर के साथ साथ अगले नंबर पर नाम आता है इनके एक और ऑलराउंडर का। जी हाँ गाइस, डेविड मिलर तो इनके बैट्समैन है, लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ इनके ऑलराउंडर के बारे में, जो कि है एक शाहरुख खान। जी हाँ गाइस, जो कि इनके फिनिशर भी हैं और बैट्समैन भी बहुत बढ़िया हैं, शाहरुख खान का भी इस मुकाबले में बहुत ही लाजवाब और शानदार प्रदर्शन रहने वाला है GT की तरफ से।
तो शाहरुख खान के बाद अगले नंबर पर नाम आता है इनके तेज गेंदबाज। जी हाँ गाइस, तेज गेंदबाज फास्टर बॉलर मोहित शर्मा का। आज के दिन राशियों और ग्रहों के अनुसार इनका मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहने वाला है, लेकिन ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका आज के दिन इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया और शानदार प्रदर्शन रहेगा मोहित शर्मा का। मोहित शर्मा के साथ साथ अब मैं बात करने वाला हूँ इनके बैट्समैन के बारे में। तो राशियों और ग्रहों के ध्यान में रखते हुए इनका बैट्समैन का नाम है गाइज, जिनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, वो है शाही सुदर्शन। जी हाँ गाइज, शाही सुदर्शन का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहने वाला है, यानी कि आप मान सकते हो कि शाही सुदर्शन का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन तो रहेगा ही, लेकिन मध्य से थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे आज के दिन इस मुकाबले में शाही सुदर्शन, यानी कि मिला जुला कर आज के दिन शाही सुदर्शन का बढ़िया प्रदर्शन ही रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से जल्दी जल्दी में बता देता हूं, गुजरात टाइटंस की तरफ से ए उमरजाई, मोहित शर्मा, डेविड मिलर, शाही सुदर्शन और शाहरुख खान। क्या बोला तूने? जी हाँ गाइज, शाहरुख खान का भी इस मुकाबले में आपको बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो जैसा कि मैंने लास्ट में आपको सभी को बताया था कि मैं लास्ट में बात करूँगा अभिषेक शर्मा की और ट्रेविस हेड की। जी हाँ गाइज, तो उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूँ, कल मैंने वीडियो में बोला था कि देखते हैं किस टीम के सबसे ज़्यादा फ़ैन हैं, अपनी अपनी फेवरेट टीम का नाम आप कमेंट में लिख दीजिए। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे एक ही टीम के गाइज, वो थी LSG। LSG के फ़ैनों के कमेंट आए थे, बाकी किसी टीम के कमेंट नहीं आए, लेकिन आप आज भी लिख सकते हैं अपनी अपनी फेवरेट टीम के नाम कमेंट में, ज़रूर लिख दीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ट्रेविस हेड के बारे में। तो ट्रेविस हेड का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहेगा गाइस। जी हाँ गाइस, मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहने वाला है, मध्य से थोड़ा और ज़्यादा अच्छा करेंगे आज के दिन ट्रेविस हेड का तो बढ़िया ही प्रदर्शन रहेगा। लेकिन अभिषेक शर्मा पर मुझे गाइस थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रेविस हेड का तो गाइस लगभग पक्का ही गाइस बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, लेकिन अभिषेक शर्मा का मध्य से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लेकिन गाइस मुझे थोड़ा सा डाउट भी है। लेकिन आज के दिन ट्रेविस हेड का थोड़ा सा आपको बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा अभिषेक शर्मा से। तो गाइज, आप पूछना चाहोगे कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, किस टीम की विजय होगी? तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था वैसा ही हुआ, टेलीग्राम पर मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि आज मुझे नहीं पता, तो आज भी मैं आपको साफ साफ बताऊँगा, कोई ऐसे वैसे नहीं बात करने वाला, जो कि मैंने कन्फर्म पता है गाइज, मैं आपको वही सब सब सही सही बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइज, मैच का मैच विनर बताने से पहले सभी खिलाड़ियों की कुंडलियां चेक करनी पड़ती है और उनके आंकड़े चेक करने पड़ते हैं, इसलिए मैंने अभी तक कुछ ही खिलाड़ियों की कुंडलियां चेक की हैं। राशियों का तो मैंने पहले भी पता था और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी मैंने पता किया है, अभी लग ऐसा नज़र आ रहा है कि 60% चांस गुजरात टाइटंस के हैं जीतने के, लेकिन मैं आज बिल्कुल भी कन्फर्म नहीं हूं, मैं कन्फर्म आपको ज़रूर बताऊंगा, सही सही बताऊंगा, मुझे जितना भी पता होगा मैं सारी की सारी जानकारी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर दूंगा। तो इसी के साथ साथ गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।